देखिए, 2-3 दिन से बड़ी चीजें काफी सामने आ रही हैं, बिलखसूस इस वक्त जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। कराची में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में एक नई किलर वेव चली है। एक तो हमारी आर्मी मारती है, अब आटे ने और राशन की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कातिल बन गई है। ऐसी ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए। भूख से बुरी हालत है, वो एक पंजाबी का मुहावरा कहते हैं, भूख से इनके कान सूज गए। ये जाहिर है कारमा है या अपनी ही हरकतें हैं, लेकिन इसमें मैं आवाम को भी पब्लिक को भी दोष दूंगा बिल्कुल, क्योंकि यही पब्लिक है जो जो गजवाए हिंद ये करेंगे वो करेंगे। हमारी पाक फौज तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी हम आटा लेने के लिए गए, हमें आटा भी नहीं मिला, धक्के खा के वापस आ गए। कहते हैं लूट लो, पता नहीं कल सुबह होनी है कि नहीं होनी। आप क्या यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करते हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खिला। कराची में राशन की तकसीम के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। बेरोजगारी है, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है, ऐसे में राशन लेने वालों की तादाद का तो अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ रोज़ ऐसी ही हमें खबरें, ऐसे ही मनाजिर हमें नज़र आते हैं कि सरकारी मुफ्त आटा कहीं मिल रहा हो। यही हमें मनाजिर, ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। सरकारी मुफ्त आटे की कतारों में आटे के बजाय मौत बांटी जा रही है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा ऐसी आप कोई पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि लोगों को इज्जत से उनके घर में आप राशन पहुंचा सकें, ना कि इस तरह लोग जलील हों और अपनी जानों से जाएं। ऐसी ऐसी अफसोसनाक तस्वीर और फुटेजेस सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रही हैं कि इंसान काम के रह जाए, मगर हमारे हुक्मरान हर मौत पर नोटिस लेकर फिर सियासत सियासत खेलने में मगन हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक नई किलर वेव चली है। एक तो हमारी आर्मी मारती है, अब आटे ने और राशन की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कातिल बन गई है कि बता नहीं सकता कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये जाहिर है कारमा है या अपनी ही हरकतें हैं, लेकिन इसमें मैं आवाम को भी पब्लिक को भी दोष दूंगा बिल्कुल, क्योंकि यही पब्लिक है जो पाक फौज जिंदाबाद करके चलती रहती थी और यही पब्लिक है जो गजवाए हिंद, ग्लोबल जिहाद, दुनिया भर में इस्लाम का डंका बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारी पाक फौज तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। तो पब्लिक इसमें बिल्कुल जिम्मेदार है, आज मर रही है, फिर भी अभी तक जहां उनकी वो डायरेक्शन नहीं है। दुनिया में ऐसी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी, तहरीर स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर, पता नहीं कितनी अपराइजिंग देखी, उनकी डायरेक्शन करेक्ट थी। वो और बात है कि वो वहां पे कोई तब्दीली नहीं आई है, वक्ती तौर पे एक वो चला, यहाँ तो डायरेक्शन ही गलत है। यहाँ तो इमरान खान अफ्तारियां करवा रहा है और प्रोटेस्ट करवा रहा है, प्रोटेस्ट में अफ्तारियां बांट रहा है। आप इफ्तारी के जो जलसे के दौरान ही लोग टूट पड़े और किस तरह लूट मार करके ले जा रहे थे। ये पाकिस्तान के गांव गांव शहर शहर की इस वक्त सूरत हाल है, यही अनार्की है जिसमें लोग एक दूसरे को मार मार के लूट मार कर रहे हैं। IMF तकरीबन पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है, अजीम तरीन दोस्त मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से तंग आके मदद के लिए मुंह भी नहीं लगा रहे। वजीर दाखला ने कह दिया है कि या तो इमरान खान रहेगा या नून लीग रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। अभी हम आटा लेने के लिए गए, हमें आटा भी नहीं मिला, धक्के खा के वापस आ गए। हम लोग चुप करके घर बैठ गए। आटा जिसका हक है उसको मिलने रहा, बेहक जा रहे, 6-6 तोड़े में उठा रहे, 1160 रुपए का मैंने तोड़ा लिया, बच्चों के घर में आटा एक बुर्की नहीं थी। यही तो फर्क है, वो काफर जो है वो अपने लिए उम्र का लाल पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सिर्फ मुसलमान जो है जखीरा अंदोज है। कहते हैं लूट लो, पता नहीं कल सुबह होनी है कि नहीं होनी। आप क्या यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करते हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खला में।
पाकिस्तान के बहुत सी नेमतें हैं हमारे पास, कम्फर्ट जोन है, बहुत अपना मुल्क अपना होता है, लेकिन रहने के हालात नहीं हैं, आइडियल नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल से पूछूं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने दिमाग से पूछूं तो मुझे कल मौका मिले मैं निकल जाऊं। दोस्तों, जो भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, भले इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाए, अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो आउटसोर्स करने का प्रोसेस शुरू कर दी। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे कोई नहीं, और हमने ये क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की, और एज ए लास्ट रिजॉर्ट कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीनों की जारी बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। अब एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, लेकिन हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि चाइनीज ने $2 बिलियन जो है लोन रोल ओवर कर दिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज चला गया, IMF को भी मैसेज चला गया, और अब आपको पता है ना कि हम पिछले फरवरी से IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। तो हुकूमत को इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर जो एनालिस्ट होते हैं, जो बाकी लोग हैं, वो जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत तो फंसी हुई है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 3 एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी आउटसोर्स होने का प्रोसेस शुरू है। सो और ये जो आउटसोर्सिंग का है, इसमें चाइनीज़ का बड़ा आपको पता है इम्पोर्टेंट रोल है कि